गाइस, वेलकम बैक टू विश्वास फैमिली चैनल। कैसी हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया सी हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए, क्योंकि मोमो खाने का बहुत तेज मन हो रहा है। ठंडियों का टाइम है, गरम गरम मोमो खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, तो वही खाने के लिए हम जा रहे हैं। मैं रेडी जरा सी हो गई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आज का अपना मेकअप। छोटा सा पिंकी पिंकी सी आईज मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ब्लू कलर का मैंने लाइनर लगाया हुआ है, लिपस्टिक मैंने लगाई है पर्पल की। ये लिपस्टिक एंड ये लाइनर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो चलिए गाइस, फटाफट से हम चलते हैं, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। हम जा रहे हैं, तुम्हें चलना है? आप खाओगे? आप मोमोज खाओगे? मोमोज खाएगा मेरा बच्चा, मेरा डॉलर, मेरा डॉलर, मम्मा का डॉलर, डॉलर, डॉलर। सो गाइस, फाइनली हम लोग 56 आ चुके हैं। और जी हाँ, यहाँ 56 प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन 56 प्रकार में से मुझे सिर्फ मोमोज पसंद हैं। और मोमोज खाना पता नहीं क्यों मैं इतने ज़्यादा पसंद करती हूँ। मतलब इंदौर में जब मैं आती थी ना, सबसे ज़्यादा अगर टूटना किसी पे होता था तो वो रहता था मोमोज पे। सो ये देखिए गाइस, मोमोज आ चुके हैं, हम लोग खाएंगे और सीधे निकल जाएंगे और सीधे मिलेंगे आपको मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून में। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि हम लोग कहाँ गए थे, उसके बाद मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा लेट उठी और अभी मैं जस्ट व्लॉग शूट कर रही हूँ। व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। वो हैं ये पर्पल के कुछ लाइनर मेरे पास आए हुए हैं, जो कि मेरे PR में आए हुए हैं, लेकिन मैं आपके साथ इनका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो फर्स्ट थिंग, ये 5 आईलाइनर हैं। आप इसे एज अ आईलाइनर, एज अ काजल और एज अ आप चाहें तो इसे आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड सबसे अच्छी बात कि इनके कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। सो सबसे पहले मैं आपको देती हूँ इनके हैंड स्वेचेस एंड उसके बाद मैं बताती हूँ इनका एप्लीकेशन। सो फर्स्ट थिंग, मैं पहले एप्लीकेशन दे देती हूँ। सो ये ग्रीन आई लाइनर है, जिसको मैं एज अ आई लाइनर, एज अ काजल लगाने वाली हूँ अपनी आईज़ पे। सो जी हाँ, चलिए हम इसको लगा लेते हैं। स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और सबसे अच्छी चीज़ जो इनकी है वो है कि लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी ज़्यादा है। और मैं इनको अभी यूज़ कर रही हूँ इसीलिए, और आप लोगों ने देखा होगा मुझे ग्रीन चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती, क्योंकि ग्रीन कलर कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट है। सो ये स्केच लाइनर नहीं है, एक पेन लाइनर है और काफ़ी सो गाइज़, अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करती हूँ तो इनका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और सबसे अच्छी जो इसकी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है। एंड साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है, जब आप इसे अप्लाई करेंगे उसके विद इन अ कुछ सेकेंड बाद आप इसे अगर स्मच करना चाहें तो स्मच कर सकते हैं। उसके बाद ये सूख जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है एंड ये आपके हटाए नहीं हटने वाला फिर। सो आप देख सकते हैं मैंने एज अ लाइनर इसको ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं इसे वाटर लाइन पर भी लगाऊँगी। सो या गाइज, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। ग्रीन कलर का है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोनों आंखों में लगाती हूँ फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, अब मैं बता रही हूँ आपको कि एज अ आई शेडो आप इसे कैसे लगा सकते हो। थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले लगाया था तो ये ड्राई हो चुका था, स्मच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मैं इसको अच्छे से इस ऐसी ब्रश की हेल्प के साथ इसको स्मच करूँगी। अच्छे से स्मच होने के बाद एक स्मोकी आईज़ क्रिएट हो जाती हैं, लाइक ग्रीन स्मोकी आईज़। एंड कितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन लग रही है एंड साथ ही साथ ये बहने वाला नहीं है, निकलने वाला नहीं है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। आप इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो आप जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें ज़रूर यूज कीजिए। मैं आपको इसलिए इस तरीके से इसके यूज़ दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप जस्ट एक लाइनर से, एज अ काजल उसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। सो और एज अ लाइनर तो आपको करनी है, बिकॉज़ ये तो लाइनर ही है। सो गाइज, आपने देखा इसे आप एज अ लाइनर और एज अ आई शेडो कैसे लगा सकते हैं एंड एज अ काजल कैसे लगा सकती हैं, मैंने आपको यूज़ भी बता दिया है। अब चलिए जल्दी से हैंड स्वेचेस देती हूँ। सो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये है ग्रीन कलर। सो गाइज, ये है ग्रीन कलर
एंड इसके बाद ये है वाइट कलर जो कि बिल्कुल जेट वाइट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो गाइस ये है ब्लू कलर, OMG, इसे मैं किसी मेकअप लुक में ज़रूर यूज़ करूँगी बिकॉज़ ये कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है मुझे। सो या गाइस ये है ग्रे कलर, एंड ये मैं आपको बोलूँगी कि परफेक्ट है स्मोकी आईज के लिए। जी हाँ, ये परफेक्ट वन है स्मोकी आईज के लिए और आप इससे आराम से अपनी आईज क्रिएट कर सकते हैं। आप इसे एज अ आई आईब्रो पेंसिल यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसे यूज़ आराम से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने अप्लाई किया हुआ है, अभी मैंने जस्ट ऐसे ही अप्लाई कर लिया बिना मिरर में देखे। और अगर आप चाहें तो इसे आराम से कैरी कर सकते हैं, तो एज अ आईलाइनर, चाहें तो एज अ लाइनर, एज अ काजल, या फिर आप चाहें तो आई शेडो एंड आईब्रो पेंसिल। सो है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा कमाल की चीज़ है ये। सो या गाइस, अब मैं दिखाती हूँ आपको इनका, बताती हूँ कि कौन सा कलर ज़्यादा बेस्ट है। गाइस ये है ब्राउन कलर, एंड उसके बाद ये है ग्रीन कलर, एंड उसके बाद ये है ब्लू, ये वाइट कलर और ये ब्लू कलर, एंड उसके बाद ये है ग्रे कलर। सारे ही कलर काफ़ी ज़्यादा अपनी जगह पे खूबसूरत हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो इनकी है, इनमें एक सिमर है जो कि आपके एज आ आप अगर लाइनर इसे यूज़ करते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है, एंड अगर एज आ आई शेडो भी आप इसे यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सूरत से कलर हैं, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनकी लगी है वो यही है कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और इनके काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। सो चलिए गाइज, अब हम करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया रिव्यू। एंड जी हाँ, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है और आप अगर खुद यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो कोई एक भी आप बाय कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए, लिंक सारी की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ मेरी किचन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदरक लहसुन और खड़ी मिर्च मैंने दो डाली हुई हैं और इसका मैं पेस्ट बना रही हूँ। ये पेस्ट मैं बना के रख दूँगी, एक कटोरी पेस्ट है ये, और मैं इसको इसलिए बना के रख रही हूँ, इजी टू कुक हो जाता है। अगर मैं कुछ भी बनाने की सोचती हूँ ना तो मेरे पास मसाले रहते हैं पिसे पिसाए और मुझे अदरक लहसुन छीलना नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आलसी मैं हूँ किसी चीज़ में तो मुझे लहसुन छीलने में आलस आता है। आज मैं बना रही हूँ सेम की सब्ज़ी। सेम की सब्ज़ी मेरी मम्मी, तो वैसे मैं बता दूं कि सेम को हल्का सा अधकच्चा उबालती थी फिर उसके बाद सब्ज़ी बनाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उबली हुई सब्ज़ी मेरी ससुराल फैमिली में किसी को पसंद नहीं आती है। सो मैं फ्राई करने वाली हूँ। सो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है, थोड़ा सा क्या, अच्छा सा ऑयल डाला हुआ है, और मैं दो बार में इस सेम को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे जो आलू रखे हुए हैं ये मैंने उबाल लिए हैं, इनमें मैंने 3 से 4 सीटी लगा ली थी और इनको उबाल लिया है। एंड गाइज, आज चल रहा है इंदौर में मैच, सो हम लोगों को सिर्फ 2 टिकट मिल रहे थे, पास मिल रहे थे जाने के लिए, तो हम लोग नहीं गए क्योंकि सानू दीदी भी साथ में थी, तो हम लोगों ने सोचा घर बैठ के देख लेते हैं, और क्योंकि मिशिका वहाँ पे परेशान भी कर सकती थी और पता भी हमें अभी पता चला था कुछ दिन पहले कि यहाँ पे क्रिकेट खेलेगा, 2020 होगा। सो जी हाँ गाइज, यहाँ पे हमारी जो सेम है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो ही रही है और साथ ही साथ मैं मसाले की तैयारी करती जा रही हूँ। फिर मेरा दिमाग चला कि यार मुझे खाना जल्दी जल्दी बनाना चाहिए क्योंकि बाबू किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक प्याज को कट करके उसका पेस्ट बनाया हुआ है और दूसरी मैंने कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा ली है जिसमें मैंने बिल्कुल ज़र्रा सा तेल डाला है, क्योंकि सेम की सब्ज़ी में ज़्यादा तेल नहीं यूज़ होता है। अगर आप फ्राई नहीं करो ना तो सबसे कम अगर मुझे किसी सब्ज़ी में लगता है तो मुझे सेम की सब्ज़ी में लगता है, क्योंकि एकदम थोड़ा सा तेल यूज़ होता है इसमें। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था, दो बार में मैं फ्राई करूँगी, सो यहाँ पे मैंने एक बार और डाल दिया है। यहाँ पे मेरा जो साइड वाले कढ़ाई में तेल चढ़ा हुआ है वो भी गर्म हो चुका है, सो उसमें मैं डालूँगी ज़ीरा।
जीरा डालने से पहले मैंने हल्का सा उसमें घी भी डाल दिया है, क्योंकि सब्ज़ी आजकल मैं पता नहीं क्यों मेरा मन होने लगा है कि मैं घी वाली सब्ज़ी खाऊं, तेल वाली सब्ज़ी ना खाऊं, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं मिक्स डालती हूँ ना तो स्वाद ही अलग आता है सब्ज़ी में से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जीरा और काली मिर्च का पाउडर निकलवाया हुआ है। मेरे साथ सुनीता थी मेरी किचन में, और अभी तो सुनीता ही मेरे साथ एक समझ सकते हैं आप पूरे दिन रहती है, वरना मैं तो अकेली पड़ जाऊँ। सो यहाँ पे गाइज मैंने जीरा डाल दिया, जीरा के बाद मैंने थोड़ी सी इसमें हींग डाली हुई है बिल्कुल जरा सी खुशबू के लिए, क्योंकि हींग की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने डाला हुआ था अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके तुरंत बाद मैंने डाला हुआ है यहाँ पे प्याज का पेस्ट, जी हाँ। और अब मैं इसको चलाऊँगी, मसाले को मैं तब तक पकाऊँगी जब तक अदरक लहसुन का कच्चा वाला टेस्ट ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि मुझे अदरक लहसुन और प्याज का कच्चा वाला टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि नॉन स्टॉप आप बात करते हो, सो गाइज मेरा चैनल ही कुकिंग से रिलेट है तो मुझे समझाना पड़ेगा ना मैंने कब क्या डाला। म्यूज़िक तो नहीं लगा सकती ना, आपको थोड़ी पता है कि मैंने क्या डाला। सबसे पहले आपने थोड़ा सा वो छोटी सी डिब्बी में से जो निकालते हुए देखा है वो था काली मिर्च का पाउडर, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है धनिया पाउडर, एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है टर्मरिक यानी कि हल्दी, उसके बाद मैं डालूंगी लाल मिर्च, और उसके बाद मैं डालूंगी नमक। सो जी हाँ, और क्या बोलते हैं यहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरी जो सेम मैंने फर्स्ट टाइम फ्राई की थी वो थोड़ी सी कच्ची थी, और मुझे टाइम बहुत कम था क्योंकि बाबू का मुझे कॉल आ चुका था इस टाइम तक कि खाना रेडी रखना, मैं मुश्किल से 15 मिनट रुकूंगा जस्ट खाना खाने के लिए, तो मैं फटाफट कर रही थी दोनों कढ़ाई पर। सो यहाँ पे मैं मसाले को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ पानी डाल के, थोड़ा सा मसाले को पकाने वाली हूँ, और मसाला मैं बहुत ज़्यादा पकाती हूँ आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मुझे सब्ज़ी में मसाला कच्चा वाला पसंद नहीं आता है। सो मैं आप लोगों की भी बोलूँगी कि अगर आप मेरी किसी भी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो जिस तरीके से बताती हूँ अगर उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही औसम वाला टेस्ट आएगा। मिर्च मसाले हमारे यहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है, नो डाउट, मैं कोई भी बात में झूठ नहीं बोलती हूँ, अगर खाया जाता है तो खाया जाता है। देखो अपना अपना टेस्ट है, कई लोग बहुत कम खाते हैं, कई लोग ज़्यादा खाते हैं, मैं तो दोनों, मेरी मायके फैमिली वाले भी मसाला मिर्च बहुत ज़्यादा खाते थे, ससुराल फैमिली भी खाती है, और मुझे नहीं लगता कि मिर्च मसाला मतलब कई लोग नहीं डाइजेस्ट कर पाते, लेकिन जिन्होंने बचपन से खाया होता है उनको तो अच्छा लगता है। इनफैक्ट कम मिर्च मसाला पसंद नहीं आता, कभी कभी हमारी सब्ज़ी ना थोड़ी सी लाल टाइप की नहीं दिखती ना तो मेरे हबीब भी बोलने लग जाते हैं आज की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई। सो गाइस बात करने लग गई, मैंने यहाँ पर आलू डाल दिए मसाले में क्योंकि मसाला ऑलमोस्ट मेरा पक चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पर सेम को निकाल लूँगी तेल में से, और आपने देखा ऑयल जितना डला था उतना ही डला है, क्योंकि सेम आप अगर अच्छे से फ्राई करते हो तो ऑयल छोड़ देती है बाद में। सो यहाँ पे मैंने सेम को डाल दिया है सब्ज़ी के अंदर, आई मीन आलू मसाले के बीच में, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, इस वाली कलछी को मैं निकाल के दूसरी कलछी से इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि नीचे थोड़ा थोड़ा मसाला लगता है जब आप कोई फ्राई सब्ज़ी बनाते हो। सो यहाँ पे गाइज मैं इसको ढक दूँगी और कम से कम 2 मिनट इसको अच्छे से पकने दूँगी। जैसा कि आपको पता है कि सेम ऑलरेडी पक चुकी थी और आलू भी पके हुए थे, बस मसाला पकाना था तो वो भी पक चुका था। सो यहाँ पर मैं अपना प्लेटफॉर्म थोड़ा सा साफ कर दूँगी, एंड इसके बाद मैं डालूंगी इसमें धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती मेरी मैं धुल के रख लेती हूँ, और आजकल मुझे पता नहीं क्यों क्या आदत हो गई है, मैं सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब अचानक से मैं बनाने बैठती हूँ ना तो मुझे फिर लगता है कि मेरे ठंडे हाथ होंगे, फिर क्या है मिशिका को भी लेना पड़ता है, अभी वो भी बच्ची ही है एक तरीके से, तो मुझे थोड़ा सा पानी से दूर रहना पड़ता है। सो जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें पहले फ्री हो जाती हूँ। धनिया पत्ती को मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है, और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी सब्ज़ी के अंदर। सो सब्ज़ी हमारी होती है यहाँ पर रेडी, और अब बनाएंगे हम रोटियां। सो जी हाँ, रोटियां बनाना है, रोटियां, पराठे खाना है तो पराठे, इस सब्जी के साथ सब कुछ पसंद आता है आपको, सभी कुछ अच्छा लगेगा। अगर पूड़ी के साथ खाते तो भी मज़ा आने वाला है, पराठे के साथ खा रहे हो तो तब भी मज़ा आने वाला है, और अगर रोटी के साथ खा रहे हो तो तब भी मज़ा आने वाला है। एंड गाइज बाबू के ब्लॉग, बाबू के चैनल पर गया है एक वीडियो बहुत ही अच्छा सा, सो आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वॉच भी कर लीजिएगा। उनके चैनल का नाम है आपका शिवम, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज जो मेरी क्या बोलते रोटियां हैं वो बनने लग गई हैं, और आज मैंने ना सुनीता से आटा लगवा लिया था जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था तो उसने गीला आटा कर लिया क्योंकि उसको ये सब नहीं करना आता है। सो जिसकी वजह से मेरी ना ही रोटियां फूल रही थी। ये बात फैक्ट है कि अगर आप खाना बना रहे हो दो हाथ लगते हैं तो वो बिगड़ ही जाता है किसी भी कैसे, क्योंकि मुझे रोटियां जब बनाने में तभी मन लगता है जब मेरी रोटी अच्छी फूली फूली बनती है, और रोटी फूलती नहीं है तो
अच्छे चारों तरफ से सिकती भी नहीं है, फिर आपको सेकने पे काफ़ी फोकस करना, और अगर फूल जाती है तो दोनों तरफ से रोटी काफ़ी अच्छे तरीके से सिक जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो रोटियां हैं वो अब फूल रही हैं, क्योंकि मैंने फिर उन्हें सूखे आटे के साथ मिक्स किया था आटे को। तो अगर आपसे भी कभी ऐसा हो जाता है, मुझसे भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, और लेकिन अब क्या करूं, जल्दी जल्दी में मैं नहीं लगा पाई आटा, और अब मैं नीचे लगा आटा लगाने नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि मेरा जो डॉलर है वो मुझे बहुत परेशान करता है अगर मैं नीचे बैठ के आटा लगाती हूँ। पहले लगा लेती थी और प्लेटफॉर्म भी नहीं थी जगह, तो इसी वजह से मैंने सुनीता से बोला बेटा साइड में तुम लगा दो। यहाँ पर मैं रोटियों में साथ ही साथ घी लगाती जा रही हूँ, क्योंकि गर्म गर्म रोटियों में घी बहुत अच्छे से लगता है। सो गाइज यहाँ पे हमारी जो रोटियाँ सिक चुकी हैं, आई जस्ट होप कि आपको ये जो रेसिपी मैंने बताई हुई है, मैं जो भी रेसिपी बताती हूँ काफ़ी सिंपल वे में बताती हूँ, पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके ही जाना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, बाद में मैं पछताती हूँ कि यार लाइक क्यों नहीं आ रहे। सो फाइनली गाइज खाना पीना बन चुका है, बाबू आए थे खा के चले गए थे, और मैं सो गई थी, मिशी का भी सो रही है, और मैं डॉलर के साथ मस्ती कर रही हूँ। तो मेरा डॉलर मेरे साथ मस्ती करता है, मुझे काटता है, प्ले वाइट करता है ये, एंड क्या बोलते हैं, मैंने अभी इसके साथ ढेर सारी मस्ती की, ये काटने काटने को कर रहा है, काटने काटने को कर रहा है, ये बॉल काटो आप अपनी। गिर गई थी भैया की बॉल गिर गई थी, प्ले वाइट करता है, लगता नहीं है इसका, लेकिन हाँ ये है कि भाई। तो सो गाइज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहती थी। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैंने शायद स्टार्टिंग में आपको बता भी दिया होगा, कई बार मैं दो चीज़ें रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं याद होता है, छोटी छोटी क्लिप्स होती है उसमें मुझे नहीं याद होता है कि ये चीज़ मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करी या नहीं। सो बाबू के चैनल पे एक वीडियो गया है, और उस वीडियो में आप देख लेना क्या किया है हम लोगों ने। सो कुछ कमेंट्स उनके चैनल पे आ रहे हैं, मैं तो वीडियो मैंने ही पब्लिश किया है उसको, क्योंकि बाबू को तो आज टाइम नहीं था, अगर सैटरडे संडे की बात होती तो शायद वो कर भी देते। सो वो वीडियो भी मैंने एडिट किया है, तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही हूँ जिसमें ये आ रहा है कि आप कर रहे हो तो शो ऑफ क्यों कर रहे हो, और डिसलाइक भी आ रहे हैं। सो ये शो ऑफ करने वाली कोई चीज़ थोड़ी है, आप मतलब काम अच्छा कर रहे हो तो दिखावा क्यों कर रहे हो। तो मैं बता दूं कि वो एक हेल्पिंग चैनल है, और उस पर दिखावा समझना है आपको तो दिखावा समझ सकते हैं। मैं तो एक अच्छा गुड मैसेज भेजना चाहती हूँ लोगों तक, जो लोग चाहते हैं कि भाई हम कुछ करें, लेकिन वो सोचते हैं यार हम दो पांच लोगों का कर सकते हैं, दो पांच लोगों से होता क्या है। अरे आप दो पांच लोगों का कर भी दोगे ना तो आई नो कि कुछ नहीं होता, ये आपकी सोच है, लेकिन अरे आप करो तो सही, स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे भगवान आपको अपने आप उस काबिल बना देगा कि आप 5 से 50 लोगों का करना स्टार्ट कर दोगे। वो चैनल हेल्पिंग चैनल है, मैं चाहती तो मैं मेरा ब्यूटी से रिलेट या किसी और चीज़ से रिलेट एक चैनल बना सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं चाहूँ तो अगर मुझे पैसा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप जस्ट पैसा कमाने के लिए ये वीडियो डाल रहे हो, कुछ चंद व्यूज़ और चंद पैसे के लिए आप ऐसा कर रहे हो, तो मैं चंद व्यूज़ या चंद पैसे के लिए अगर ये कर रही होती तो मेरी इस चैनल पे जाता, क्योंकि अगर इस चैनल पे जाता तो मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिलते, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर भी हैं, और मुझे अच्छा खासा उसका रिवेन्यू बनता, जो कि मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का मुझे उम्मीद नहीं है उस चैनल से। सच बताऊँ मैं उम्मीदें कम लगा रही हूँ, क्यों कम लगा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने मन से करना चाहती हूँ। अगर हो जाता है मोनेटाइज तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो आप आगे भी मुझे कंटिन्यू देखोगे कि मैं करूँगी, और वो एक गुड मैसेज है उन यूट्यूबर्स तक पहुंचाना, क्योंकि जैसे कई यूट्यूबर्स क्या होते हैं, मैंने कई बार ये जिक्र भी किया है आप लोगों से, आई डोंट नो आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हो, कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो एक चैनल चल गया तो और सारी यूट्यूबर और सारी चैनल चला लेते हैं, वो सोचते हैं कि अरे अब तो हमारे सब्सक्राइबर वो तो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, वो तो मुझे दूसरा कोई ब्यूटी से रिलेटेड चैनल भी चलाती तब भी मिलते ना, लेकिन मैंने नहीं किया वैसा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं था वो वैसा करना। और मैं जस्ट आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि उस चैनल पे गाइस, वो चैनल ही उस बेस पे खड़ा हुआ है, तो उस चैनल पे उसी कंटेंट की वीडियोस जाएंगी ना, अदर कंटेंट की वीडियो नहीं जा सकती है ना, कंटेंट ही उसका वो है। सो जिसे समझ आती है ये चीज़ वो चैनल को देखो, जिसे नहीं समझ आती है, मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया है, मैं तो सिर्फ उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ भाई कुछ लोगों की हेल्प हो, सो उस चैनल को सपोर्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि हम लोग और आगे क्या करें, हमें और भी चीज़ें पता चली हैं, सो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कब तक हो पाता
पता है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होगा कि आप मिसिकास फैमिली चैनल की मेंबर हैं, बिकॉज हम उस पर सिर्फ वो हेल्पिंग चैनल है जो नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए हम लोगों ने वहाँ पे कम्युनिटी में सोचा है कि हम सबकी कम्युनिटी में लगाएंगे। देखो गाइज, एक दिन में तो मैं सारे की कम्युनिटी में नहीं लगा सकती हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे करके सबकी कम्युनिटी में लगा दूंगी। सो वहाँ पर आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए, एक दो दिन में आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, सीधा आपको कम्युनिटी में आपका वीडियो मिलेगा। सो गाइज, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, एंड बाबू के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं रहने दूंगी, नेगेटिविटी तो जिसको जितनी करनी है कर सकते हैं, ना ही हम डिमोटिवेट होंगे ना ही कुछ होंगे, क्योंकि नए साल पर मैंने अपना एक एम बना के रख लिया है कि अब मुझे डिमोटिवेट नहीं होता है। जो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं वो बस दूसरों को डिमोटिवेट कर सकते हैं। सो बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।